अमेरिका को पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। अमेरिका याद रखे, भालू के साथ नहीं खेलते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है। यूक्रेन युद्ध में बाहरी ताकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही वो कहते हैं कि बिजली की रफ्तार से सभी को जवाब दिया जाएगा जो भी यूक्रेन की समय मदद कर रहे हैं। हमारे पास जो हथियार है वो किसी के पास नहीं है। व्लादिमीर पुतिन का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, नाटो कंट्रीज के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए भी। जो कोई भी मौजूदा हालात में दखल देगा उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी रूस के लिए खतरा बनेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि उनके हमलों पर हमारा जवाब बहुत तेजी से होगा। हमारे पास उन्हें जवाब देने के लिए सभी तरह के तरीके हैं। हमारे पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो किसी और देश के पास नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति का बयान हमने आपको सुनवाया है। पुतिन की यूएस यूरोप को खुलेआम धमकी उनके बयानों के जरिए समझ में आती है, जिसमें वो कहते हैं कि विरोधी रूस जैसे बड़े देश को नहीं देखना चाहते हैं। आगे व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेन युद्ध में बाहरी दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दखल देने वाले को बिजली की रफ्तार से रूस जवाब देगा। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो कि किसी के भी पास नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इनडायरेक्टली सरमत मिसाइल का जिक्र यहां पर पुतिन करते नजर आ रहे थे, जिसका भी हाल ही में रूस ने सफल परीक्षण किया है। रूस के दुश्मनों ने यूक्रेन के लोगों को भड़काया है, यूक्रेन को हराकर ही ऑपरेशन खत्म होगा। हमला नहीं करते तो रूस में हालात और ज्यादा खराब हो जाते, क्योंकि अपने बयानों के बीच में यह भी कहा व्लादिमीर पुतिन ने कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन की बनाने की भी तैयारी कर रहा था और इसलिए उस पर यह हमला करना बहुत जरूरी था। रूस पर सभी आर्थिक प्रतिबंध नाकाम हुए हैं, बहुत कोशिश की गई रूस को रोकने की, व्लादिमीर पुतिन को रोकने की, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद कोई असर ना रूस पर पड़ा और ना ही इस वॉर पर। अब आपको हम ये बताते हैं कि रूस के पास आखिर वो बड़े हथियार कौन से हैं जिसके बारे में व्लादिमीर पुतिन जिक्र कर रहे थे, और इसी के दम पर अमेरिका को रूस बड़ी धमकी दे रहा है। हथियारों के बारे में जानिएगा। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है परमाणु हथियार। इसकी संख्या दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा रूस के पास ही है। परमाणु हथियार कुल है 5,977 रूस के पास और 1,185 है इंटर कॉन्टिनेंटल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं 800 सबमरीन है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल रूस के पास। 580 की संख्या में बम वर्षक विमान वाले परमाणु हथियार भी अकेले रूस के पास है। इस्कंदर मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 50 से 500 किलोमीटर की है और न्यूक्लियर वॉरहेड 700 किलो का है। कैलिबर क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है, न्यूक्लियर वॉरहेड है इसका 500 किलो का, यह भी रूस के पास है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की, न्यूक्लियर वॉरहेड है 480 किलो का। तो यही वो सबसे ताकतवर और मजबूत हथियार हैं रूस के पास, जिसके बारे में व्लादिमीर पुतिन बोल रहे थे कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, और इसलिए बिजली से भी ज्यादा तेज जवाब देने की इस वक्त कैपेसिटी है रूस के पास। अब देखिए, पुतिन को जो धमकी है वो अमेरिका पर भी अब लगातार खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं पुतिन की धमकी के बाद से। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने से बेहद नाराज है पुतिन। यूक्रेन को मिल रही मदद से रूस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा, ये अमेरिका का कहना है। दोनों ही ओर से बयानबाजी हो रही है, यूरोप और अमेरिका की मदद से जोश में यूक्रेन। अमेरिका ये कहता है कि हम ही वो देश हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और इसीलिए अभी तक यूक्रेन के सैनिक इतने लंबे समय से रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पुतिन को पता है कि उनका मुकाबला अमेरिका से है। अमेरिका के जरिए पूरी दुनिया के लिए पुतिन का ये बड़ा संदेश। तो व्लादिमीर पुतिन का पहले बयान आता है जिसमें अमेरिका को वो धमकी देते हैं, और उसके बाद अमेरिका भी पुतिन को जवाब देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।